बहुत परेशान है भैया। अगर मेरी बच्ची नहीं मिलेगी तो हम जी नहीं पाएंगे। ऐसे लगता है कि प्राण त्याग दे तो वो अच्छा है। लगता देखिए ऐसा मत सोचिए, है ना। हम लोग कोशिश करेंगे। है क्या, कहाँ से मेरी बच्ची आ जाए, क्या करे जब मेरी बेटी आ जाए। कोई मदद नहीं करने वाला है, कोई नहीं, कुछ नहीं, कोई सुराग नहीं, एकदम लापता हो गई भैया। क्या करें, लगता है कि चैन नहीं, दिन में रात में खाते नहीं सोते नहीं। ऐसे में अभी छोटा छोटा बच्चा है 3 गो, उसको कैसे पोसेंगे। पति क्या अभी करते हैं? पति कमाते हैं, मजदूरी करते हैं। ये आवाज है उस बेबस माँ की, जिसकी मासूम सी नाबालिग बेटी पिछले 1.5 महीने से लापता हो गई है। ये पूरा मामला है बिहार के भागलपुर जिले की, जहाँ की मोनिका कुमारी नामक नाबालिग लड़की 4 जुलाई से लापता हो गई है। वो घर से ट्यूशन जाने के लिए निकली थी, मगर वो रास्ते से ही लापता हो गई है। बेटी के लापता होने से उनका पूरा परिवार सदमे में है। माँ का रो रो कर बुरा हाल है। अब तक हर जगह 1.5 महीने से उसको ढूंढा जा रहा है, मगर उसका कुछ भी पता नहीं चल पा रहा है। उनके परिजनों ने मुझे मेरे वीडियो के माध्यम से संपर्क किया और मदद मांगी है। तो चलिए जानते हैं सबसे पहले पूरे मामले को उनकी माँ से ही। मगर उससे पहले सभी दर्शकों से कहना चाहता हूँ, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि किसी को भी ये बच्चे दिखाई दे तो इस स्क्रीन में दिए हुए नंबर पर आप संपर्क कर जानकारी दे सकते हैं, क्योंकि आपका एक शेयर किसी के परिवार में खुशी ला सकता है। हेलो। हाँ, हेलो, क्या नाम है आपका? रोहिणी देवी, बिहार कहाँ के रहने वाले हैं? के, बिहार कहाँ, बिहार में कहाँ? में भागलपुर जिला पड़ता है। अच्छा, क्या मामला हुआ है? मेरी बच्ची 4 जुलाई को सुबह में निकली 7 बजे ट्यूशन के लिए, घर आ वापस आई ही नहीं। बच्ची का क्या नाम था, बेटी का? मोनिका कुमारी, कितना साल की थी वो? 16 वर्ष की है। अच्छा, कहाँ गई थी वो? ट्यूशन पढ़ने ट्यूशन पढ़ने गई थी और वापस ही नहीं आई। नहीं, तो ट्यूशन में आप जाके जांच पड़ताल नहीं किए कि आई थी कि नहीं आई थी? हाँ ट्यूशन गए, बच्चा सबसे पूछे, स्कूल गए तो बच्चा सब बोला स्कूल में कि आज मोनिका ट्यूशन आई ही नहीं थी। मतलब वो घर से निकली लेकिन ट्यूशन तक नहीं पहुंची? नहीं, ट्यूशन नहीं पहुंची। अच्छा, इतने दिन हो गए, अब तक क्या कोई जानकारी मिल पाया? कोई जानकारी नहीं, कोई खोज खबर नहीं। एसपी के पास गए, डीएसपी के पास गए, थाना में लिखाए रिपोर्ट, कुछ नहीं। पूरा अच्छा, अगल बगल एरिया पूरा छानबा मारे पुलिस के, कहीं कुछ सुरागे नहीं मिल रहा। हम लोग हावड़ा स्टेशन गए खोजने, झारखंड, आधा झारखंड खोज लिए, उधर साहिबगंज सब उधर पड़ता है हाँ आश्रम, उधर सब खोज लिए कि हो सके बिहार झारखंड सटा हुआ है, हो सके उधर गई होगी, उधर भी नहीं। तो बंगाल क्या बच्चे बच्चे का कोई ऐसा मानसिक स्थिति वगैरह ऐसा कोई खराब वगैरह तो नहीं था? कुछ हल्का है, हल्का है मानसिक स्थिति ओ, थोड़ा। मानसिक स्थिति थोड़ा उस तरह का है। हाँ अभी इस बार लेकिन मैट्रिक 3rd डिवीजन की है। अच्छा, कब से ऐसा मानसिक स्थिति है? शुरू से, बचपन से, या फिर बाद में हुआ था? नहीं, बचपन से ही थोड़ा वो शारीरिक कमजोरी है मानसिक, अच्छा लेकिन अच्छा पढ़ने में ठीक है। इस बार 3rd डिवीजन की है, इंग्लिश मीडियम से पढ़ी है। अच्छा तो आपके घर के आसपास या फिर अगल बगल कोई सीसीटीवी कैमरा वगैरह में चेकअप चेक नहीं किए, बस स्टैंड वगैरह में, रेलवे स्टेशन वगैरह में? रेलवे स्टेशन में तो नहीं किए हैं, पुलिस गईबे नहीं किया वहाँ चेक करने के लिए, मदद ही नहीं किया। पुलिस कोई मदद ही नहीं कर रहा है क्या? मदद वो करा, हम क्या करें, हम क्या बजरंग बली हैं, ऐसा बोलता है पुलिस। मतलब पुलिस वाला बोलता है कि हम बजरंग बली हैं क्या, ऐसा बोल के मदद ही नहीं दे रहा है? नहीं उतना नहीं कि आप खोजिए, खोजिए आप, हम ही को बोल रहा है खोजने के लिए। हम कहाँ खोजे, हम तो जितना हमको हुआ हम लोग खोज ही रहे हैं। अभी तक दिन में चैन में सोते नहीं है, यही समझिए, लगता है कि भगवान किसी तरह प्राण छूट जाए तो टेंशन हमको खत्म हो जाए, ऐसा लगता है। इससे पहले भी कभी ऐसा हुआ था कि आपकी बेटी कहीं अचानक चली गई थी? इससे पहले एक बार हम लोग गुजरात में रहते थे तो हाँ वो मतलब वो कुछ है, उसके पापा बोले बस वो चली गई, निकल गई। तो तो
उसके बाद आप लोग ढूंढ के लाए थे उसको? नहीं, निकल गए तो मतलब निकल गई तो थोड़ा दिन ही मतलब स्कूल तक गई फिर चली आई, ऐसा नहीं है कि अच्छा नहीं स्कूल तक गई फिर अपने आप वापस आ गई ना। आपके घर से ट्यूशन का दूरी कितना था? मेरे घर से ट्यूशन का दूरी यही 2-4-5 किलोमीटर होगा। तो ये तो बहुत लंबा डिस्टेंस है, तो आप लोग उसको अकेले भेजते थे क्या ट्यूशन? नहीं, मतलब गांव से चौक कितना होता है, कितना दूरी पे है? अच्छा नहीं नहीं, तो 2-4 किलोमीटर तो बहुत ज्यादा बोल रहा है ना। 2-4 किलोमीटर? 2-4 किलोमीटर नहीं, जैसे 1 किलोमीटर या 1.5 किलोमीटर होगा। जैसे गांव है उसके बाद मतलब यहाँ से जाने में तो मैट्रिक, जैसे मैट्रिक का वो मैट्रिक पास कर चुकी थी तो किस चीज का वो कोचिंग कर रही थी? मैट्रिक पास 3rd डिवीजन की थी। और क्या चीज का कोचिंग कर रही थी? तो वही बोली कि मम्मी 3rd डिवीजन की है तो फिर से एग्जाम देंगे ना तो अच्छा रिजल्ट आएगा। अच्छा अच्छा, मतलब इस वजह से फिर से कोचिंग कर रही थी। हाँ, फिर से कोचिंग कर रही थी इसके लिए। कोई डांट डपोट या फिर किसी तरह का लड़ाई झगड़ा घर में? हम ही बोले थे बेटा, रे तुमको रोज ट्यूशन में लेटे हो जाता है, सब बच्चा यहाँ से जाता है, गांव का सब बच्चा जाता है पढ़ने, सहेली के साथ भी जाती है। हाँ। तो वो लोग चली गई थी, लेट से गई तो हम ट्यूशन तुरंत गए, जब ट्यूशन का समय खत्म हुआ तो ट्यूशन गए, तो ट्यूशन गए तो फिर स्कूल गए। स्कूल में सर मैडम बोली कि हम उसको कहलगांव NTPC जानते होंगे। कहलगांव NTPC के पास उसको मास्टर देखा है हाई स्कूल का, तो हम बोले भी जब देखे आप तो आपको रोकना चाहिए ना उसको। अकेली थी उस समय की किसी के साथ में थी? उस समय अकेली थी, लेकिन जब हम लोग स्टेशन पे पता किए तो स्टेशन पे कोई बोला कि किसी के साथ थी वो। अरे बाप रे, किसके साथ थी? ये तो पता नहीं, लेकिन बोला कि वो किसी के साथ थी। अब यही हम लोग को डर लगता है कि कहीं उसको ले जाके, जैसे आवारा सब लड़का सब वो सब घूमता है, कहीं कोई बेच तो नहीं दिया, ये नहीं कर दिया, वो नहीं कर दिया, ये मतलब कोई लड़का के साथ इस तरह से देखा गया? हाँ, लेकिन वो इस तरह की लड़की नहीं थी, मतलब लड़का था लेकिन इस तरह की लड़की नहीं थी कि मतलब लन फन, पूरा गांव बोलता है कि उस तरह की लड़की थी ही नहीं। अच्छा अच्छा, नहीं ऐसा 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 तो नहीं है किसी के साथ बातचीत कर रही थी, ऐसा कुछ था क्या? नहीं नहीं नहीं, पूरा मोबाइल में भी वो देखती थी ना, तो सिर्फ कार्टून ही देखती थी, और मोबाइल का फेक्सो हम पूरा निकलवाए। अच्छा, तो कहीं कुछ संपर्क नहीं, किसी से कोई बातचीत नहीं? नहीं, कोई किसी से बातचीत नहीं। अब ट्रेन पकड़ ली तो कहाँ गई, तो कितना नजदीक में ट्रेन स्टेशन कितने दूर में है? जब वहाँ उसको देखा गया, सर जो देखे कहलगांव में अकेले उसको, हाँ, तो वहाँ से 1 घंटा का रास्ता है स्टेशन। अच्छा अच्छा, आप स्पीकर को आप ऑफ करके बात करिए, मेरा आवाज रिपीट हो रहा है। हेलो, स्पीकर को ऑफ करके बात करिए, रिपीट हो रहा है मेरा आवाज। हाँ बोलिए। हम बोले आपके घर से कितना दूरी में स्टेशन होगा, कोई भी बस स्टैंड हो चाहे रेलवे स्टेशन हो? मेरे यहाँ से 7 किलोमीटर होगा। अच्छा, रेलवे स्टेशन। तो रेलवे स्टेशन का CCTV फुटेज आप नहीं निकलवाए? रेलवे स्टेशन का वो CCTV फुटेज निकला ही नहीं, पुलिस नहीं निकलवाया। देख सकता था ना, क्यों नहीं देख सकता था? नहीं देखा, लोग कितना बोले लेकिन कुछ नहीं। नहीं तो ज्यादातर या तो बस से गई होगी या फिर रेलवे के थ्रू ही कहीं गई होगी या फिर शहर। बस से तो नहीं गई होगी, उसके पास ना आधार कार्ड है, ना पैसा 1 रुपया ली है, ना कुछ है उसके पास, 1 भी रुपया उसके पास नहीं। हाँ, लेकिन वो अगर लास्ट बार किसी और के साथ, जैसे स्कूल के पास वो देखी गई थी ना, वो टीचर देखा था स्कूल के टीचर देखे थे उसको कहलगांव में। कहलगांव कितना दूर है आपका घर से? 700 किलोमीटर, 700 ना मतलब 5-6-7 किलोमीटर होगा।
तो 5 से 7 किलोमीटर आपका घर से वो उतना दूर कैसे गई होगी? और अगर गई भी तो उस एरिया में जहां पर देखा गया उस आसपास का घर में को किसी ना किसी का घर में तो कैमरा लगा ही होता है ना? जहां पर एग्जैक्ट देखा गया, आप टीचर से भेंट किए कि नहीं? टीचर से भेंट किए, लेकिन मैडम बोले कि हमको स्कूल आना था, हम बहुत जल्दी में थे, अटेंडेंस बनाना था, इसीलिए हम नहीं कुछ बोले। टीचर से आप भेंट करिए और एग्जैक्ट जगह पे जाइए जहां पर उसको। टीचर से बात किए हैं। हाँ, और एग्जैक्ट उस जगह पर जाइए जहाँ पर वहाँ पर अंतिम बार उसको देखा गया है, और उस आसपास में कम से कम जिस जो रास्ता से उसको पार होते हुए देखा गया, उस रास्ता में आपको हर घर में देखना है कि कहाँ सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, चाहे दुकान में हो चाहे कहीं भी हो। और रास्ता में सीसीटीवी कैमरा नहीं है, मतलब रास्ता सुनाट है, बिहार का रास्ता है वो। अच्छा, सुना भी है, लेकिन कहीं ना कहीं उस रास्ता में तो कहीं ना कहीं पॉइंट पे कहीं ना कहीं तो होगा ही ना, किसी का घर में दुकान में रहता ही है ना। कहीं ना कहीं घर में दुकान में रहता ही है, तो वहां जाके खुद से आप एक पता करिएगा तो कहीं ना कहीं पता चल जाएगा कि वो उस समय किसके साथ में थी, उसका चेहरा भी दिख जाएगा ना। उस समय वो अकेली थी। और दूसरा बात, जहाँ वो नाश्ता की वहाँ का हम लोग सीसीटीवी कैमरा खुलवाए तो कुछ बता ही नहीं रहा है, सब कोई कह रहा है कि हम लोग अपने दुकान भर ही कैमरा रखते हैं, रोड पर का तक का कैमरा हम लोग नहीं रखते हैं। तो जहाँ पे नाश्ता की तो नाश्ता तो दुकान के अंदर की होगी ना? हाँ, तो अंदर में दिखाई दे रही थी वो? अंदर में मतलब जैसे बीच में रोड है, फिर बगल में टेम्पू स्टैंड है, उस जगह नाश्ता बोला कि किया है तो वहाँ नहीं है ना, रेलवे स्टेशन के बगल में बोला कि उसके साथ हम किसी को देखे। तो दूसरे साइड हीरो होंडा शोरूम है, लेकिन हीरो होंडा शोरूम में जब हम लोग गए कि कैमरा दिखाइए तो बोलता हम लोग दुकान तक ही रखते हैं, अंदर तक सीमित, रोड पर, रोड के उस पर हम लोग कैमरा नहीं हम रखते हैं। अच्छा, रोड तक सिर्फ अपना दुकान का सेफ्टी के लिए हम लोग रखते हैं। 2-3 मास गए, कुछ नहीं, एप्लीकेशन ले एसपी डीएसपी कोई मदद नहीं, कोई मदद नहीं। अच्छा अच्छा, ये कितने बजे की लगभग घटना है, कब ये लापता हुई, कितने बजे था? 4 जुलाई को सुबह 7 बजे वो ट्यूशन निकले शाम। अच्छा, और आप कब कितने समय में देखा गया था उसको सड़क पर? कहलगांव के पास उसको देखा गया था 8:30 बजे लगभग। 8:30 बजे सुबह? हाँ, में सुबह में। और फिर जहाँ एक लड़का के साथ कोई बता रहा था वो कितने बजे देखा गया? 4, 5, 6 तारीख को देखा गया उसको। ओ, मतलब 6 तारीख, मतलब 2 दिन के बाद। 2 दिन के बाद, अच्छा। वो कहाँ पे देखा गया? बोला कि वो नाश्ता किया, अब सही बोला कि झूठ वाला दुकान वाला सब पता नहीं, बोला कि नाश्ता किया, बोला कि ट्रेन पकड़ के भागलपुर जाएंगे। ट्रेन पकड़ के भागलपुर जाने वाला है ऐसा बोला? हाँ, बोला कि ट्रेन पकड़ के भागलपुर जाएंगे। लड़का लड़का बोला वैसा? हाँ, लड़का बोला। तो भागलपुर जाने के लिए उस समय कौन सा ट्रेन था आप लोग पता नहीं किए उस टाइमिंग में? उस टाइमिंग में हम लोग जब खोजिए रहे थे सुबह पहुंचे तो बोला कि कल उस लड़की को देखे हैं, भागलपुर गया। फिर हम लोग भागलपुर गए, भागलपुर से दिल्ली के लिए ट्रेन चलती है, बम्बई के लिए, मतलब हर एक जगह के लिए ट्रेन मिलती है वहाँ से। तो वहाँ भी हम लोग भागलपुर में भी दिए रेलवे वाले को, गुमशुदा वाला साटे सब किए, लेकिन कुछ नियोजन है भागलपुर में भी। वो जो ट्रेन में गई थी, एक आसान हो सकता है, अगर भागलपुर ट्रेन में जो टाइमिंग देखा गया उसको शाम के वक्त, और उस समय कौन सा ट्रेन था, और जो तारीख 6 तारीख का उस समय का सीसीटीवी फुटेज भागलपुर का रेलवे स्टेशन का और आपके यहाँ का रेलवे स्टेशन का, दोनों का अगर देखने से मेरे ख्याल से मिल सकता था। वो जो नाश्ता किया है, जैसे कि फुटेज तो रहता है बीच में ना। हाँ, जैसे कि स्टेशन के बीच में रहता है कैमरा, अगल बगल तो रहता नहीं है। हाँ हाँ, तो वो नाश्ता जो किया साइड से ही किया, और साइड से ही रेलवे स्टेशन गया, और साइड से ही आया नाश्ता वाला बोला, वो बीच में गया ही नहीं। एक तरह से वो
उसको भगा के लिया है या फिर मतलब बहला फुसला कर लिया, वही बात होगा। हाँ, जैसे बाहर का लुक्कर उक्कर ना जैसे लग जाता है बेचने कुचने वाला, बहुत आदमी बोलता है कि हाँ बेच भी दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, ऐसा बोलता है आदमी। क्या कहे, कुछ सुरागे ना इतना दिन में कुछ ना पता ला पता एकदम कुछ सुराग ना। फिर हम लोग भागलपुर गए, भागलपुर में भी बोला नहीं यहाँ तो कुछ नहीं। अब वो भागलपुर के लिए बोला, अब भागलपुर गया कि नहीं गया, कहाँ गया, अब तो वही जानेगा ना। अब बच्ची अब तक समझदार है नहीं, रमंद बुद्धि है।